वाहेगुरु जी। बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। छपै छंद जग सेख, मोन पुगत सेख, वारहे दोए भोजन, पाप त्याग यवन, वही है बुद्धमान जन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग अते सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु खालसा, सत्संग जीओ, साधु महापुरशो, श्रोतागण, विद्यार्थीगण, आप समूह रब दे प्यारे वड्डे भागां वाले हो कि जो समाजिक ज्ञान है, शरीरी ज्ञान है, मानसिक ज्ञान है, जीवन दी जो जीवन जाच है, असी उस जाच दा ज्ञान प्राप्त करन लई ये जो ग्रंथ है सार उतावली, इहदे विचार थोड़ी बहुती सरवण करते हाँ, क्योंकि तो 5-10 मिनट ही बहुत हैं। जे अमल किया जाए तो खालसा जी एक शब्द भी बहुत बड़ा हुंदा है। इस करके पातशाह कृपा करी जान, साडे हिरदे विच ये अपना नाम रस इन्हां गुणां नूं वसाण कि असीं इन्हां गुणां ते पहरा देईए, अपने जीवन नूं इन्हां अनुसार बनाईए। आओ अज सार कतावली दा 5वां अध्याय उहदा दूजा चरण आरंभ हो रहा है। आओ श्रवण करिए जी। छपै छंद जग सेख, मुना पुगत सेख, वारे दोए भोजन। भोजन केड़ा श्रेष्ठ है? वर कहिंदे श्रेष्ठ, एक तो भोजन वह है जिहड़ा यग तो बच जाए। यग कहिंदे लंगर आदिक, पहला यग होंदे सन, भंडारा जिहनूं कहिंदे, भंडारे तो बाद जिहड़ा लंगर बच जाए वह भला हुंदा है। जां लंगर आदिक जो वरत रहा है जिहड़ा उत्थों बच गया ना, वह श्रेष्ठ लंगर है। दूजा है जिथे महात्मा जन छकते होण, संत महात्मा, ब्रह्म ज्ञानी पुरश, उन्होंने छकाण तो बाद जो बच जाए वह श्रेष्ठ भोजन है। पाप त्याग यवन, वही है बुद्धमान जन। जड़ा मनुख पाप न छड़ दे वही बुद्धिमान है। रब का प्यारा बुद्धिमान जन उही है ना, जड़ा पापा तो दूर रवे, पापा तो हमेशा बचता रवे। उपमा करे अदृष्ट त्रिष्ट सो मित्रो महाबर। असल मित्र केड़ा है? महाबर श्रेष्ठ मित्र केड़ा है? जड़ा उपमा पिठ ते करदा होवे, अदृष्ट पिठ पिछे, सामने ना करे, सामने ना कहे जी बड़े चंगे हो जी, बड़ा सोहना है जी, बड़ा वधिया बोली बोलता है, वधिया कथा करता है, वधिया बड़ा अमीर है, बहुत गुणा वाला है ना। पिठ ते उपमा करे वह मित्र है, जिमें पहला भी आया से ना, गुर कीरत अपरोह करे, गुरु की कीरत गुरु के सामने करे, मित्रां आदिक की वड्याई कह लो उन्हां दी पिठ ते करे, ये उही भाव है। उही मित्र है जिहड़ा अपने मित्रां दी, अपने प्यारियां दी वड्याई उन्हां दी पिठ ते करदा होवे। दंभ बिना जो तारम, वही है करे मुनि सर। जिहड़ा धर्म दम तो बिना, पखंड तो बिना, वही असल धर्म है। मुनिया लई, महापुरशां लई, संतां लई असल धर्म उही है जिस विच दम नहीं करदे, पखंड नहीं करदे। बंदा पखंड करदा है अपने आप नूं पब्लिसिटी कराउण लई, कि अपनी शोभा लई, अपनी वड्याई लई। जदों ध्यान रखिए कि बंदा दम पखंड करदा ना, डिंबन मैं परमेश्वर नाहीं, गुरु कलगी तरपातशाह बयान करदे भाई, डिंबन च रब नहीं होंदा, पखंड करने वाली बिरति होमै होंदी है, विखावा होंदा है, छल होंदा है, रब की रात नहीं होंदी। इस करके बख्शिश प्राप्त करनी है ते मना ऐसा धर्म कमा जिहड़ा दंभ पखंड तो बिना होवे। हर भगत जगत मैं जान, निज इष्ट बिना दृष्टे न अन। सब तो वड्डी इस दुनिया च रब की भगती है, ये जानिए। हर भगत रब दे भगत, रब दी भगती श्रेष्ठ है दुनिया विच, क्योंकि भगती बिना कुछ प्राप्त नहीं होंदा। मना इस करके ध्यान रखी, समाज विच जे रहना है तो रब दी भगती कर, वो रब दी भगती ही श्रेष्ठ है। अगे फरमान कर दे,
निज इष्ट बिना दृष्टे ना अन, अपने इष्ट तो बिना किसी दूजे नूं वेखे भी ना, भाव अपना गुरु उदा ही ध्यान रखे, अपने गुरु दा ही सिमरन करे। उन साध वही जग जानिए, जाके नहीं उपाद मान। उन कहंदे फिर साध ओही जानो दुनिया विच जिहदे हिरदे च उपाधि नहीं। उपाद मन तीन तरह के रोग हैं, आदि व्याधि उपाधि। तो ये जड़े उपाधि आदिक रोग हैं जिहदे मन च है ही नहीं, काम क्रोध आदिक विकार, झगड़े कलेश, होर कई तरह के विकार जिहदे मन च है नहीं, वो असल साधु महापुरश है। सवैया जब तार त्रंडन फिरे नगना। हुण इस सवैये च ये फुरमान करदे दसदे हन कि बंदिया भावें तू जो मर्जी कर लै, जे तेरे हिरदे च भोगां प्रति लालसा है, खाण प्रीत प्रति, काम क्रोध प्रति, ते तू भावें दंड धार जब धार त्रिडंड फिरे नगना। त्रिडंड दा अर्थ है तीन हिस्सों वाली सोटी, भाव वह फड़ के तू सारी नगन अपने शरीर तो नगन हो के, कपड़े तो बिना हो के तू विचरदा रवे इधर उधर। मुख उपर सीस जटान तरे, ते अपने मुख ते सीस जटान, जटाऊ भाव जटावां धारण कर लवे। जटान आ गया ना, बहुवचन आ गया, जटान बहुवचन, जटावां धारण कर लवे। सीस ते जिहड़े वाल हन, केस हन, जटाणा बना लवे, भावें उहनां दी हथ वागे रकंदर बीच बसे। अथवा कहिंदे जा जां किसी पहाड़ की गुफा जाके बस जावे, किसी कंदर जाके बस जावे। सिल पै थित हवै थित ब्रिछ तले, जां किसी पहाड़ के उत्ते सिल ते बैठ जावे, सिला ते बैठ जावे, जां किसी ब्रिख ते थले बैठ के साधना करे। तत वेद पुराण सिद्धांत पढ़े, ते तत वेदा पुराणा दे सिद्धांत नूं पढ़े, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਪਵਾਸ ਤਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਪਵਾਸ ਧਰੇ, ਉਪਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਤੀਰਥੋਂ ਵਿਚਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਜਬ ਭੋਗਣ ਕੀ ਰਤ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਭੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਚਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਤੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰੀ, ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈ। ਕੋਟਕ ਛੰਦ ਨਿਜ ਮਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਨਾਰ ਭਜੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਨਾਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਪਰ ਕੋ ਤਨ ਲੋ ਸੱਟ ਸਮਾਨ ਤਜੀ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਧਨ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣੀ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਪਰਾਏ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ। ਸਭ ਜੀਵ ਸਵੰਗ ਸਮ ਦੇਖਤ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ ਇਹ ਪੇਖਤ ਜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂ। ਆਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਵੈਸ਼ਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਟਕਾ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਸੋਰਠਾ ਇੱਕ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਸੋਰਠ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਪਾ ਤੋਟਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਛੱਪਾ ਇੱਕ ਛੱਪਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਤੋਟਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਜਾਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਹਨ ਛੇ ਛੰਦ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।